in the next lecture of class 10 Maharashtra Board Science 2 chapter number 3. ठीक है, तो हम chapter number 3 life process 2 को देख रहे हैं. तो उसके अंदर हमने पहला जो उसका पार्ट था जिसमें हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ बातें पढ़ी थी वो तो हमने खत्म करी है. आज हम इसके आगे वाले पार्ट को शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम एसेक्सुअल के बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे. अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारी चीजें देखी. हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेल्यूलर मेथड देखा, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीसेल्यूलर के देखा, जैसे कि हमने बडिंग देखा, हमने फ्रेगमेंटेशन देखा, रीजनरेशन देखा, ठीक है, बाइनरी फिशन देखा, फिर इसमें लॉन्जिट्यूडिनल ट्रांसवर्स फिशन देखा वगैरह. ठीक है, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे. यहां से चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिज्म अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो चीजें भी थोड़ी सी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट और फर्टिलाइजेशन पर. ये क्या चीजें हैं, गैमेट के बारे में सबसे पहले सुनते हैं क्या है. आपने मियोसिस पढ़ा है ना, मैंने माइटोसिस और मियोसिस के दो अलग अलग वीडियो आपको दिए. आपने मियोसिस पढ़ा है, मियोसिस और माइटोसिस में सबसे बेसिक फर्क ये होता था कि यहां पर मियोसिस के अंदर एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, बराबर, क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, जबकि माइटोसिस में वो नहीं होता था. तो उसी तर्ज को लेकर गैमेट फॉर्मेशन में एक्चुअली यही होता है. गैमेट फॉर्मेशन में बेसिकली गैमेट जो होता है वो सिंगल होता है, उसे हैप्लॉइड कहते हैं, और जो चीज डबल होती है बायोलॉजी में उसे डिप्लॉइड कहते हैं. तो मेल से जो गैमेट होता है उसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल से जो गैमेट होता है उसे हम एग कहते हैं. तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये हैप्लॉइड होता है नेचर में, क्योंकि जब डिवीजन होता है मियोसिस में तो ये जो क्रोमोसोम का नंबर है हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैमेट बनेगा वो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो नेचर में कैसा रहेगा, सिंगल, जिसे हम क्या करेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे. ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन के बारे में इतना ही आपको दिया हुआ. अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पर. फर्टिलाइजेशन में होगा क्या, फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट जो कि सिंगल है, फीमेल गैमेट जो भी सिंगल है यानी कि हैप्लॉइड है, तो दो हैप्लॉइड मिलेंगे तो दो सिंगल मिलकर क्या बनेंगे, डबल, तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड. यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो मिलकर जो चीज बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. क्या कहते हैं, जाइगोट. जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा और उसका माइटोसिस होता है और उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है. ठीक है, इतनी बात समझे. अब इसमें कुछ बातें याद रखो, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो ये होता है बेसिकली कि क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग होती है. क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग होने से ये होता है कि जो प्रोजेनी पैदा होगा यानी कि जो बच्चा पैदा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें मदर और फादर की कुछ सिमिलैरिटीज होगी. ठीक है, ये तो हम देखते हैं ना, हम जो है बोलते हैं ना, आप अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हैं, आप अपने फादर की तरह दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज आपके मदर फादर से आप में आएगी. उसके अलावा भी एक चीज है जिसे हम वेरिएशन कहते हैं. जब मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होकर जायगोट बनाते हैं तो कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, यानी कि प्रोजेनी में उस बच्चे में और भी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो ना मदर से मैच करेगी ना ही फादर से मैच करेगी, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं. और वेरिएशन क्यों जरूरी है, वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है और चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं तो उस हिसाब से ह्यूमन बॉडी को भी अडेप्टेशन जरूरी होता है, और जो चीज के लिए ह्यूमन बॉडी को अडेप्टेशन जरूरी है तो उसके लिए वेरिएशन जरूरी है. अगर वेरिएशन ना हो उसकी बॉडी में तो वो स्पीशीज आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो ये एक बात है, उस वेरिएशन को आपको याद रखना है. तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए. अब आते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये आपके लिए फ्लावर का डायग्राम है. सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अगर फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर ना हो या फ्लावर बेसिकली होते क्या है, फ्लावर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट होते हैं प्लांट्स के अंदर. अगर वो ना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होगा ही नहीं. तो अभी इस सेगमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग. इस सेगमेंट के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर ऐसा क्या करता है या फ्लावर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो फ्लावर को बड़े डिटेल में आज देखेंगे. एक फ्लावर का आपके पास डायग्राम है. फ्लावर के चार बेसिक यूनिट होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं. कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है. मैंने सबके नाम कहीं ना कहीं मेंशन किए हुए हैं. कैलिक्स यहाँ है, कोरोला यहाँ है, एंड्रोशियम आपको यहाँ दिख जाएगा, गाइनोशियम यहाँ दिखेगा. इसके अंदर जो दो बेसिक यूनिट है जिसे असेंशियल होल्स कहते हैं, जो बेसिक ये चारों है ना, इन्हें होल्स कहा जाता है, WHORLS होल्स कहा जाता है. इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम
एंडोशियम और गायनोशियम, इन्हें कहते हैं एसेंशियल होल्स क्योंकि ये जरूरी होते हैं। और जो कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं इन्हें एक्सेसरी होल्स कहते हैं क्योंकि ये लोग प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। जिस फ्लावर में एंड्रोशियम होगा वो मेल फ्लावर कहलाएगा, जिस फ्लावर में गायनोशियम होगा वो फीमेल फ्लावर कहलाएगा, और जिस फ्लावर में ये दोनों होंगे, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों भी हो सकते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों भी हो सकते हैं, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तुम्हें कुछ और बात याद रखनी है, कैलिक्स के जो पार्ट होते हैं हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। सेपल्स का कलर आपको कैसे दिखाई देगा? ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। कोरोला जो होता है उसके जो पार्ट होते हैं उसे पेटल्स कहते हैं। फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं ना, सुनेंगे पेटल्स का कलर क्या होता है, बहुत सारे कलर होते हैं है ना, रोज रेड भी आता है, अलग भी आता है, तो रोज के पेटल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो कोरोला के जो पार्ट से जो पेटल्स कहते हैं उनके कलर्स क्या होंगे? अलग होंगे। अब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल याद रखो कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आपके किताब में दिया हुआ है वो हिबिस्कस है। तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है और उसका एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो हिबिस्कस, और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल दिया है पपाया का। ठीक है, इसके अलावा एक फ्लावर के नीचे एक सपोर्ट होता है जिसे हम पेडिसल कहते हैं। तो जिस फ्लावर में ये सपोर्ट होगा, पेडिसल होगा, उसे पेडिसिलेट कहा जाता है, और जिस फ्लावर के अंदर ये सपोर्ट नहीं होगा उसे सिसाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिसाइल। कुछ और बातें भी याद रखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये पूरा मिलाकर गायनोशियम बनेगा। एंथर और फिलामेंट मिलाकर क्या बनेगा? ये एंथर है यहाँ पर, ये फिलामेंट है, ये मिलाकर पूरा क्या बनेगा? एंड्रोशियम। ठीक है, गायनोशियम के जो पार्ट्स होते हैं उसे कार्पल्स कहा जाता है, एंड्रोशियम के जो पार्ट्स होते हैं उसे स्टेमन कहा जाता है। जैसे कि कैलिक्स के जो पार्ट है वो सेपल्स थे, कोरोला के जो पार्ट्स थे वो पेटल्स थे, तो एंड्रोशियम के जो पार्ट्स है वो स्टेमन कहलाएंगे, गायनोशियम के जो पार्ट्स है वो क्या कहलाएंगे? कार्पल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम में जो बीच में दिखाई दे रहा है इसे हम ओवरी कहते हैं। मतलब ये फ्लावर का, जैसे ह्यूमंस में जो बच्चा होता है वो पेट में पैदा होता है, तो फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावर का पेट होगा वो ये होगा ओवरी। इसके अंदर छोटे छोटे सपोज करो फीमेल रिप्रोडक्टिव एग्स होंगे, जैसे फीमेल्स में एग्स होते हैं वो स्पर्म से यूनाइट होंगे और फिर बच्चा पैदा होता है, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे एग्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आते हैं, जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। मैं यहां लिख देता हूं, जगह भी है, इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हर फ्लावर के बेस में आपको एक ओवरी मिल जाएगी, उसके अंदर आपको कई सारे क्या मिल जाएंगे? ओव्यूल्स मिल जाएंगे। ओवरी एक बड़ा सा सपोज करो पेट है, उसके अंदर छोटे छोटे अंडे है। ठीक है, ये ओव्यूल्स है। उससे एक लंबा सा पाइप ऊपर जाता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर एक चिपचिपा सा सब्सटेंस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल फ्लावर के बारे में पार्ट था, आगे हम जाएंगे, पर ये फ्लावर के बारे में फिर से मैं एक बार बता दूं। हमने चार चीजें पढ़ी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। आपको एंड्रोशियम गायनोशियम एसेंशियल है, कैलिक्स और कोरोला क्या है? एक्सेसरी है। कैलिक्स के जो पार्ट है वो सेपल है, कोरोला के जो पार्ट है वो पेटल्स है, एंड्रोशियम के जो पार्ट है वो स्टेमेंस है, गायनोशियम के पार्ट वो क्या है? कार्पल्स है। फ्लावर के एकदम बॉटम में क्या होता है? ओवरी होती है, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एक लंबा सा आपको ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसे स्टाइल कहते हैं, उसके ऊपर एक स्टिकी सा सब्सटेंस लगा होगा उसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये अब तक हमने फ्लावर के बारे में ये पढ़ा कि फ्लावर दिखता कैसे है, उसके कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, हमने ये देखा, अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है, फ्लावर के अंदर ये दूसरा फ्लावर और ये सीड बनेगा कैसे। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पहले सुन लो, होता क्या है। आपके सामने एक डायग्राम, ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले होता क्या है, हवा काफी चलती है, तो हवा चलने से क्या होता है? प्लांट जो है छोटे छोटे पोर्स बनाता है जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अब एक प्लांट सपोज करो जो मैच्योर हो गया, जो पोलन ग्रेन्स बनाने लगा, तो हवा से पोलन ग्रेन्स जुड़ेंगे, उड़ने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ का स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है आपका, मतलब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ के चिपक गया है। डायग्राम में एक्चुअली बता सकता हूँ प्रॉपरली, तो सपोज करो ये स्टिग्मा है तुम्हारा, यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन उस पर आकर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होगा? चिपक गया। तो ये पहला डायग्राम है, तो हवा के जरिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर क्या होगा? चिपक गया। अब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू होते हैं, ग्रो होना शुरू होते हैं। अब ये जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं तो क्या बनाते हैं? मेल गैमेट। क्या बनाते हैं? मेल गैमेट। ओवरी में क्या है? एग है। एग क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा, बराबर। तो ये क्या बनाएंगे? मेल गैमेट। अब जब ये मेल गैमेट बना लेंगे तो ये यहां से नीचे उतरना शुरू करेंगे, किसकी तरफ उतरना शुरू करेंगे? ओवरी की तरफ।
है ना, क्योंकि ओवरी के अंदर तो फीमेल गैमेट है ना, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होगा तभी तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, बराबर यही पढ़ा है ना हमने फर्टिलाइजेशन में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो फिर से बता दूं, पोलन ग्रेन हवा के जरिए आते हैं, हवा के जरिए आने से क्या होता है, स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं, जब स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं तो ये जर्मिनेट होना शुरू होते हैं, जिसका मतलब क्या है, ग्रो होना शुरू होते हैं। और बेटा ये जब ग्रो होना शुरू करेंगे तो ये पोलन ग्रेन किसमें तब्दील होंगे, मेल गैमेट में। अब ये मेल गैमेट से क्या होंगे, आगे आएंगे, जब ये मेल गैमेट आगे आएगा तो कितने मेल गैमेट आते हैं, एक्चुअली दो आते हैं, कितने आते हैं, दो, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे देखो, तो ये जब दो मेल गैमेट आते हैं नीचे तो उसमें से एक मेल गैमेट है वो एग के साथ यूनाइट होगा और आपका क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब बेसिकली एग आपका फॉर्म होने शुरू हो गया। और दूसरा जो आपका ये क्या बोलते हैं मेल गैमेट है वो पोलार न्यूक्लियस के साथ फॉर्म होगा और एंडोस्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म करेगा क्या, एंडोस्पर्म ये करेगा जो ये ओव्यूल्स और मेल गैमेट आगे फर्टिलाइज हुए हैं और जो एग बन रहा है अभी, तो वो उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इस तरह से यहाँ पे दो मेल गैमेट आए थे, दोनों मेल गैमेट दो अलग अलग चीजों से आके मिले, एक तो आके मिला ओव्यूल से, एक ओव्यूल से आके मिलेगा यहाँ पर जो है एम्ब्रियो सैक में जो ओव्यूल है उससे आकर मिलेगा, एग वगैरह फॉर्म करेगा, और दूसरा जो है वो पोलार न्यूक्लियस के साथ यूनाइट होगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। इसलिए यहाँ पर दो बार हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो आपको नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में आपको यहीं तक है। तो होप सो इतना पार्ट आपको समझा होगा, तो इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये अपने आप में पूरा एक आंसर है, सिर्फ इसका डायग्राम और ये भी पूछा जाता है, मतलब मैंने आपको दो आंसर एक्सप्लेन किए आज, पहला तो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर और ये सब पूछ सकता है, दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्यों है। मैं एक मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसको लिख सको। ओके, तो होप्स आपको सारी चीजें समझने